बाबूजी को याद करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं जहाँ पंडाल में देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग हैं। पंडाल के साथ साथ जो सड़कों पे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर छाया भी नहीं है, गर्मी है, दोपहर है, धूप है, उसके बावजूद भी बाबूजी को मानने वालों को कोई धूप की और गर्मी की परवाह नहीं है। वो आज सब उनके सम्मान में यहाँ पर मौजूद है। जितने लोग पंडाल में हमें दिखाई दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें सड़क और लखनऊ से जब मैं आ रहा था मैंने लोगों को देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जिनको हम आज याद कर रहे हैं बाबूजी आपके नेता तो थे ही थे, लेकिन अगर हम देखें उस गंध का, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो शायद में कोई दूसरा नाम याद आता नहीं है जो उनकी गंध के बराबर का कोई नहीं आ रहा। आज हालांकि बाबूजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले लोग और कितने यहाँ मौजूद लोग होंगे जिन्होंने उनसे आशीर्वाद लेकर के अपने राजनीति में आगे बढ़ने का काम किया। यहाँ जितने उनके परिवार के लोग खड़े हैं या मंच पे परिवार के लोग हैं उनका धन्यवाद देता हूँ। जितने सहयोगी साथी आए हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। इस सही मायने में उनको यही सलाह मिली है कि हम सब लोग मिलकर के आज उन्हें याद कर रहे हैं और वो जहां भी होंगे हमारा धर्म और भाव का धर्म अलग अलग तरीके से सोचता है समझता है, लेकिन अब यहां पर इतने लोग मौजूद हैं कहीं जहां कहीं भी होंगे या जहां भी उन्हें जीवन के बाद जीवन मिला होगा तो कहीं ना कहीं ऊपर से चाहे वो देख रहे होंगे कि कहां हमारे जाने वाले लोग इकट्ठे खड़े और बैठे दिखाई दे रहे हैं। जहां हम आज आ रहे हैं बाबू जी को याद कर रहे हैं वही मैं समझा रहा लोगों को बार बार लोग ये कह रहे हैं कि 22 में सरकार बनेगी और यही संकल्प लेने आए हम लोग और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन हमारे साथियों को आप याद करो बाबूजी ने एक बार सरकार नहीं बनाई, बाबूजी के चरण